हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका फ्रेंड सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल क्या है आप लोगों को पता है? सबसे बड़ा सवाल क्या है? आप लोगों के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने जा रहे हैं, लेकिन मुझसे बच्चे पूछते हैं। क्या पूछते हैं भाई? रसोड़े में कौन था? अरे भाई, ये रसोड़ा क्या चीज होती है? आजकल मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं, बच्चे मेरे से ये नहीं पूछते कि टैक्स में असेसी कौन था, पर्सन कौन था, असेसमेंट ईयर क्या था, ये नहीं पूछते हैं। आजकल मेरे से पूछते हैं रसोड़े में कौन था। अब भाई मुझे क्या पता ये क्या होता है रसोड़ा रसोड़ा रसोड़ा। एक बच्चे ने ऑनलाइन आंसर दिया, सर रसोड़े का मतलब किचन होता है, किचन। अच्छा भाई, ये क्या बवाल है रसोड़ा रसोड़ा। पता नहीं कौन सा वीडियो वायरल हो गया। चलो देख लेते हैं भाई, ये कौन सा वीडियो है रसोड़ा रसोड़ा का, एक बार देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? दोस्तों, ये रसोड़ा की कहानी कुछ अलग है भाई। मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च किया, ये कोई गोपी बहू का सीरियल आता है उसके अंदर ये रसोड़ा रसोड़ा है। उसके अंदर एक बेन और है डियर, उसके अंदर बेन पता है कौन है? कोकिला बेन, और उसके साथ में एक राशि बेन है ना। तो मुझे ये नहीं समझ में आता भाई रसोड़ा में कौन था, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए है ना, वीडियो के लास्ट में एक जबरदस्त अमेजिंग सा सरप्राइज रखा है, देखना जरूर, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा दोस्तों, अपन रसोड़ा की बात करें, आई थिंक रसोड़ा इज अ गुजराती वर्ड है ना। जहां तक मुझे लगता है रसोड़ा गुजराती वर्ड है, और रसोड़ा का मतलब होता है रसोई, किचन, और गुजराती गुजराती कह के थोड़ा सा यार मुझे है ना गुजराती डांस याद आ गया है ना। गुजराती डांस देखोगे कैसे होता है गुजराती डांस? अरे वाह सर, आप तो गुजराती डांस भी करते हो। हाँ हाँ, डांडिया डांडिया। यार रसोड़े में मुझे पता है क्या लगता है, रसोड़े में कौन जाएगा? राशि बेन जाएगी, क्योंकि जो राशि बेन है ना, राशि बेन ये कोकिला बेन को मारना चाहती है। गोपी बहू बहुत अच्छी है, राशि बेन हथकंडे अपनाती है, बहुत सारे हथकंडे अपनाती है। और मुझे एक बात यार ये नहीं समझ में आती कि भाई रसोड़े में गई वो तो ठीक है, लेकिन कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया, ऐसा क्यों भाई? क्या कुकर को फोड़ने का मन था क्या भाई? अरे कुकर खाली कौन चढ़ाता गैस के ऊपर, और चने को बाहर क्यों निकाला? ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है ये आज की तारीख में। पता नहीं स्टूडेंट्स के मन में ऐसा क्या है, रसोड़े में कौन था, खाली चने कुकर से क्यों निकाले, खाली कुकर गैस पे क्यों चढ़ाया? जरा देखते हैं ये खाली कुकर वाली बात। ओहो यार, ये कुकर के पीछे क्या कहानी है कोई तो बताए मुझे कमेंट बॉक्स में। यार चने कोई क्यों निकालेगा, चने निकालने के पीछे कुछ तो राज होना चाहिए ना भाई, ये खाली कुकर चढ़ाने का राज क्या है? और आपने वो रिंकिया रिंकिया सॉन्ग सुना है, रिंकिया रिंकिया, मुझे उसकी बहुत याद आ गई डियर। चलो एक बार रिंकिया भी देख लेते हैं। अबे कल रिंकी के पापा मिले थे तो तूने कुछ बोला? मैं बोला इज्जत से रिंकी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, वरना मैं भगा के भी ले जा सकता हूँ। फिर क्या हुआ? चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही 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 हंस देले रिंकिया के पापा, ही ही ही। क्या बात है भाई, रिंकिया के पापा, रिंकिया के पापा। दोस्तों मुझे यार कमेंट करके जरूर बताना, मैं इन दिनों बड़ा परेशान हूँ। बच्चे मेरी क्लास में बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई रसोड़ा कौन है और खाली कुकर क्यों चढ़ा दिया,
चने इसमें से क्यों निकाल लिए? भाई मुझे इन सब बातों से क्या मतलब, मैं तो टैक्स का टीचर हूं, टैक्स पढ़ाता हूं, असेसी कौन है, पर्सन कौन है, मैं तो यही बता सकता हूं ना आप लोगों को। चलिए कोई नहीं जी, थोड़ा सा चिल हो गया एग्जाम के बीच में। लास्ट में जाते जाते ये वीडियो जरूर देख लेना डियर, लास्ट का सरप्राइज है, मजा आ जाएगा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा मनोरंजन। और अच्छा लगे तो डियर लाइक शेयर कर देना, बाकी तो आप लोग मेरे साथ में हो ही भाई। चलिए देख लेते हैं, लास्ट का सरप्राइज देख लो भाई एक बार।